केबल की मरम्मत करने सीवर में उतरे चार लोगों की गई जान, जहरीली गैस में घुटा दम। समयपुर बादली इलाके में मंगलवार शाम MTNL केबल की मरम्मत के लिए गहरे सीवर में उतरे तीन कर्मचारियों समेत चार लोग जहरीली गैस में दम घुटने से बेसुध हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने उनकी जान जाने की आशंका जताई थी। जानकारी के अनुसार शाम 6:30 बजे MTNL के तीन कर्मचारी सीवर में उतरे थे। उनके बेसुध होने पर एक रिक्शा चालक उन्हें निकालने के लिए सीवर में उतरा, लेकिन वह भी नहीं निकल पाया। देर रात उनके शव बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक सीवर काफी गहरा था, इसलिए बचाव कार्य देर रात तक चलता रहा। JCB मशीन की मदद से पहले मेन होल को चौड़ा कर नीचे उतरने की कोशिश की गई, लेकिन बीच में लेंटर आने से काम रोकना पड़ा। बाद में उन्हें निकालने के लिए NDRF की टीम को बुलाया गया। जिला पुलिस उपायुक्त ब्रजेश कुमार यादव ने बताया कि शाम करीब 6:30 बजे संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से सूचना मिली कि चार लोग सीवर में फंस गए हैं। यहाँ EWU 265 में एक मेन होल में टेलीफोन लाइन की मरम्मत के लिए तीन कर्मचारी उतरे थे। इसके बाद जब वह नीचे फंसे तो एक रिक्शा चालक उनको देखने नीचे चला गया। चारों अंदर ही फंस गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस व दमकल विभाग की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। मेन होल करीब 10 फीट गहरा है। दमकल कर्मियों ने ऑक्सीजन मास्क लगाकर नीचे उतरने का प्रयास किया, लेकिन मेन होल काफी संकरा था। इसकी वजह से उनके खुद के अंदर फंस जाने का खतरा था। काफी प्रयास के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने फैसला किया कि मेन होल को तोड़कर सभी को निकाला जाए। स्थानीय प्रशासन की मदद से तुरंत एक JCB को मौके पर बुलाया गया। पुलिस आयुक्त ने बताया कि सीवर में फंसे लोगों की पहचान बच्चू सिंह, सूरज कुमार साहनी, पिंटू और रिक्शा चालक सतीश के रूप में हुई है। में एक सिविर लाइन है, सिविर लाइन में चार व्यक्ति फंस गए हैं वहाँ पे। और जब हम लोगों ने ये कॉल ली तो खुद हम लोगों ने ये सोचा कि जो सिविर लाइन है वहाँ पे टॉक्सिक गैस भी हो सकती है, डीप डाइविंग की भी जरूरत पड़ सकती है। तो उसी हिसाब से हमने अपनी टीम को तैयार किया डीप डाइविंग इक्विपमेंट के साथ में, प्लस में SCBA जो हमारे CBRN के इक्विपमेंट होते हैं अपने जो सेफ्टी के लिए करते हैं उनके इक्विपमेंट के साथ में हम लोगों ने मूव किया और करीब 4 से 5 घंटे की मशक्कत के बाद में चारों डेड बॉडी को निकाला जा सकता। एक्चुअली हमारे कंट्रोल रूम में फोन आया था, हमें बताया गया है कि चार लोग फंसे होने की संभावना है। तो ये मेंटेनेंस का काम चल रहा था इनका, तो सिचुएशन देखने से पता लग रहा है कि पहले एक बंदा काम कर रहा था, जब वो ट्रिप हो गया तो बाकी लोग भी उसको बचाने के लिए अंदर घुसे। तो इस तरीके से इंसिडेंट हुआ है। तीन विक्टिम हमने निकाल लिए हैं, बाकी एक के फंसे होने की संभावना, सर्चिंग वैसे कर ली है लेकिन क्लियर करने के लिए पानी निकाल के और फिर हम दोबारा एक बार सर्च करके कम्प्लीट करेंगे। कितना वक्त हो चुका, कितना टाइम और लगेगा सर? अभी पानी निकलते ही बस सर्चिंग किया फिर क्लोज। कितना टाइम मतलब रेस्क्यू में टोटल कितना अब तक आप लोगों को वक्त लग चुका है और कितना वक्त लग सकता है रेस्क्यू के अंदर? हमारे को 3-4 घंटे तो लगे हैं इसके अंदर, और जैसे पानी हो जाता है तो जल्दी से हम इसको क्लोज कर देंगे। सर दिक्कतें क्या आ रही है बीच में, अगर बात करें तो काफ़ी टाइम समय लग रहा है? दिक्कतें क्या है, फ्लोटिंग पंप नहीं है यहाँ पे पानी वगैरह वो क्लियर करने के लिए, जो है वो है ना प्रॉपर थोड़ा सा काम नहीं कर रहा, पानी नहीं उठा रहा, तो इसलिए दूसरा मंगाया है, वो लगा दिया है अभी। जो लोग निकाले गए सर आइडेंटिफाई हुए हैं कौन कौन है वो? हाँ, उनकी डिटेल क्या है सिविल पुलिस के पास है, हमारे जवान के साथ साहब के पास थी तो वो लिखा हुआ है हमारे पास है। ठीक है, क्या नाम है भैया आपका, क्या हुआ है यहाँ पे, पूरा जानकारी विस्तार से बताइए। मेरा नाम पुनीत चड्ढा है। यहाँ पे दो लोग मेन हॉल में गिर गए थे तो उनको बचाने गए थे, हमारे अंकल हैं, हमारे फूफा जी हैं। हाँ जी, 5:30 बजे से अंदर है यहाँ पे। प्लान और वर्क ऑफ एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन कुछ भी नहीं था कि कैसे बाहर निकालेंगे। अच्छा, अभी तक तो वेट एंड वॉच ही कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है। आपको कब जानकारी प्राप्त हुई थी कि ऐसे दुर्घटना हो गई है? कितने बजे प्रदीप फोन आया था? 6 बजे के आसपास। 6 बजे आसपास, ठीक है। सर हम जब आए थे सारी टीमें आ चुकी थी, सारे आ चुके थे। अच्छा, फायर ब्रिगेड वाले भी आ चुके थे, ये भी आ चुके थे, पुलिस वाले भी। JCB कितनी देर में आई है? JCB तो खुद बुलाई है सर। कितनी देर बाद आई है? ये तो खुद बुलाई है, आई नहीं बुलाई है, हमने खुद बुलाई है। अभी आप मौके पर चीफ से पोर्टल खुला हुआ था सर? खुला हुआ था, कोई काम चल रहा था यहाँ पे। अच्छा, दो लोग अंदर काम कर रहे थे, वो गए उनको बचाने गए हमारे। अच्छा, अच्छा, आपके फूफा जी लगते हैं? हाँ जी, हमारे अंकल। अच्छा, और आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या बात सरकार से बोलना चाहते हैं? सर ये बोलना चाहते हैं कुछ, कोई भी यहाँ जितने भी कम से कम 50 पुलिस वाले थे। अच्छा, कोई
कि उनके पास कोई भी प्लान ऑफ एक्शन नहीं था। अच्छा, कि कैसे इसको रेस्क्यू किया जाए। आपने सर कौन से पुलिस से कॉल किया? सर हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे सारे पुलिस वाले पहले खड़े हुए। अच्छा, किसी के पास कोई एरिया बता दीजिए, विस्तार से एड्रेस बता दीजिए। ये तो संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।